हे गाइस, कैसे सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था जिसमें मैंने एक सर्वाइवल नाइफ बनाया था। ये है वो नाइफ। आज इस नाइफ को एक कवर बनाना है जिसको इंग्लिश में शीट कहते हैं। एक लेदर का शीट बनेगा। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि वो शीट बने। और द ओनली डिफरेंसेस की जो रेगुलर शीट जो मिलते हैं वो साइड में होते हैं, जो हमारे कमर में साइड में लगते हैं, पैर पे लटकते हैं वर्टिकली इस तरह पोजीशन में। लेकिन मैं अपने नाइफ कभी भी इस पोजीशन में नहीं रखता। मैं अपने नाइफ को कभी डिस्प्ले नहीं करता, कहीं पे किसी को दिखाई भी नहीं देता कि मेरे पास कोई सर्वाइवल नाइफ है। मैं जनरली नाइफ को ऐसे रखता हूँ अपने कमर पे, पीछे बेल्ट पे लगा के पीछे मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मेरे पास कोई नाइफ। आप अगर मेरे कोई ट्रैक की वीडियो देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने अपना जो बेयर ग्रिल्स है, जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ, बेयर ग्रिल्स हमेशा मैं अपने पीठ पे बेल्ट पे इस पोजीशन में बांध के रखता हूँ। इसके लिए मैंने ये इसके लिए स्पेशल लूप बनाया था। दैट्स द रीज़न। इसके लिए भी एक वैसे ही कोशिश करते हैं कि एक बेल्ट लूप बने जो इसका वर्टिकल भी रह सके और हॉरिजॉन्टली भी। लेट्स सी। पहले हम अपना मेजरमेंट इस पेपर पे लेंगे। ये मैंने सेंटर लाइन कर दिया है अपने नाइफ को। यहाँ पे रख के नीचे तकरीबन 1 से 1.5 इंच छोड़ना है ताकि नीचे भी स्पेस आए। इस लाइन पे सेंटर रख के है। ये ऐसे रहेगा और इसका जो कवर आएगा वो यहाँ तक ही आएगा। ये साइड का हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कट इधर तक आएगा ऐसे। और यहाँ पे ये जो है इसके अंदर ये मर्ज होके ये सीधा जाएगा और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इसका एक्सटेंशन होगा जो बेल्ट लूप में आएगा। ये दिस विल बी द बेल्ट लूप ऐसे। इसकी हमको ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही अंदर चला जाएगा। ये स्टिचिंग जो होगा वो सिर्फ इतने पोर्शन में स्टिचिंग होगा और ये सब खुला रहेगा, ओपन रहेगा। यहाँ पे इसके पीछे इसके यहाँ पे एक बेल्ट लूप यहाँ आएगा, एक बेल्ट लूप यहाँ आएगा और इसी के साथ में एक आगे बकल आएगा। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे क्या प्लान है। बस दिस विल बी द प्लान। अब इसको हम लेदर में डालते हैं, कटिंग करते हैं और आगे देखते हैं। ये मैंने पेपर काट लिया है और मैंने एंड में थोड़ा सा एक्सटेंशन यहाँ पे किया, मुझे लगा थोड़ा सा कम पड़ेगा। और एक हमको ये करना है कि ये लेदर के अंदर के साथ लेना है। लेदर का बाहर पोर्शन है, ये अंदर का पोर्शन है। ये जो है इसको अंदर रख के स्टेंसिल को इसको मेजर करना है, बाहर नहीं। और लाइन से थोड़ा बाहर ही निकालना है बिकॉज थोड़ा सा और जगह लगेगा। तो वे सारे कैलकुलेशंस करके ये मैंने मार्किंग किए हैं। ये मेरे नाइफ का पॉइंट रहेगा और ये सेंटर लाइन है। तो ये नाइफ मैंने रख दिया यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है। ये ऐसे भी दिस ये फ्लिप होगा यहाँ पे। ये यहाँ तक होगा। यहाँ से एक डायगनल इस तरह कट आएगा, इस तरफ डायगनल कट आएगा। ये यहाँ से स्टिचिंग ऐसे होगा और ये डायगनल कट आएगा और ये पूरा यहाँ से कटेगा पूरे की तरह और ये बेल्ट लूप होगा। तो इसके लिए मैंने ये डायगनल यहाँ पे कट मारा हुआ है,
यहाँ से सीधा जाएगा और ये स्टिचिंग यहाँ पे आएगा। ये स्टिचिंग लाइन ये है, ये यहाँ से कट करके ये जो है ये घूम के बेल्ट लूप बनेगा वर्टिकल के लिए, और ये बेल्ट लूप आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट में बेल्ट लूप आएगा घूम के, और यहाँ पे आएगा जो हॉरिजॉन्टल बेल्ट लूप है, ये दोनों बेल्ट लूप ऐसे लगेंगे ताकि बेल्ट ऐसे चले जाए, और ये बेल्ट लूप ऐसे लगेगा ताकि बेल्ट ऐसे चले जाए। सो ये दोनों टाइप, तो मैं हॉरिजॉन्टल भी हो सकता हूँ, सीधा भी इसको ले सकता हूँ, और लेटा हुआ भी। सो ये पीस रेडी है, अभी इसका बिल्ट काटेंगे, जो सेंटर वाला पीस है। मेरे पास एक दूसरा पीस पड़ा हुआ है लेदर का, इसे काटेंगे बिल्ट। ये थोड़ा मोटा है तो मुझे लगता है कि दिस विल बी बेटर। अभी मैंने ये पीस काटा हुआ है, ये मैंने बेल्ट लूप के लिए काटा हुआ। सो मैंने अपने ये जनरली मैं ये बेल्ट पहन के जाता हूँ ट्रैक्स पे, हाइक्स पे, तो इसके हिसाब से मैंने इतना करके ये काटा हुआ है। अब ये सिंगल नहीं होगा, इसको डबल करेंगे, इसको ग्लू से सेंटर फोल्डिंग में ऐसे डबल करके इसको ग्लू से लगाएंगे और उसको सूखने देंगे, और फिर ये स्ट्रांग हो जाएगा, फिर इसके बाद में इसमें सीने में आसानी होगी, एंड इट विल बी ड्यूरेबल। अभी इसके सारे कंपोनेंट्स रेडी हो गए हैं। ये है मेन, ये एक दो लूप्स हैं इसके, और ये वेलक्रो के लिए है जो अल्टीमेटली आएगा जिस पे जो नाइफ लॉक होगा। अब आगे बढ़ने से पहले इसको हम थोड़ा सा बफ करेंगे, इसके जो बाल है सारे निकालेंगे, और पीछे भी इसको अलग टैन देंगे, बिकॉज़ ये कलर थोड़ा लाइट हो गया मेरे लिए, तो मैं अपना रेगुलर शू पॉलिश का डार्क टैन करके, तो मुझे ये अच्छा कलर लगा, तो ये मैं सबको डार्क टैन दूंगा, और यही पॉलिश मैं अंदर भी लगाऊंगा। अंदर इसके लिए लगाना है बिकॉज़ ये सब चले जाएंगे, जब नाइफ रखना होगा बाद में आसानी होगी, कटेगा नहीं कुछ, तो अंदर भी ज़रा सेफ रहेगा। सो शुरू करते हैं पहले आगे से टैन करने के लिए। खासकर ये जो पोर्शन है यहाँ पे ध्यान देना है, बिकॉज ये सबसे आगे वाला पोर्शन देगा, ये पोर्शन सबसे आगे देगा, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने एक हल्का सा चीटिंग किया है, जो सिलाई मारना था, मुझे सिलाई मारने में बहुत बोर हो रहा था, तो मैं क्या किया, मैं अपने दोस्त के टेलरिंग शॉप में आ गया, और मैं उसको कहा, प्रशांत भाई बोलो, हाय, तो मैंने उसको कहा है कि सिलाई मार के दे दे,
सो फाइनली दिस इज़ रेडी। सो स्टिचिंग के लिए देर इज अ प्रोसेस, यू कैन सेल स्टार्ट विद एनीथिंग। तो सबसे पहले मैंने ये स्टिचिंग किया, इसको पहले वेलक्रो लगाया, वेलक्रो लगाने के बाद ये स्टिचिंग किया। ये जो मैंने नाइफ रख के अप्रॉक्सीमेटली ऐसे रख के इसको मैंने लिया था, ये यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसे करके मैंने ये स्टिचिंग किया यहाँ पे, दैट्स द फर्स्ट वन। सो दिस वाज कंप्लीट। उसके बाद में आई डिड दिस वन, ये स्टिचिंग किया, ये बेल्ट लूप है, सो बेल्ट लूप वाज कंप्लीट। उसके बाद में सेकेंड वन, सो आई इंश्योर कि एक बेल्ट इसमें से जाए और ये टाइट रहे, लूज भी नहीं चाहिए और एकदम टाइट भी नहीं चाहिए, तो दिस हैज़ टू बी परफेक्ट। सो यू हैव टू श्योर कि बेल्ट जो जा रहा है उसमें से करे। थर्ड वन इज दीज टू लूप्स फॉर द साइड बेल्ट, अगेन द सेम थिंग, और बेल्ट हैज़ टू एंटर दीज टू, अदरवाइज देर इज नो पॉइंट इन डूइंग दिस। सो जो बेल्ट होता है मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 इंच का रखा हुआ है, दो इंच का इसमें गया लूप है, सो वो हो जाएगा। सो द माई बेल्ट ईजिली फिट्स इन टू दिस, एंड वंस दिस इज डन देन यू गो फॉर द फाइनल स्टिचिंग। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पर यू गो फॉर द फाइनल स्टिचिंग इन दिस वन। सो दिस इज कम्प्लीट एंड फाइनली लेट्स पुट द नाइफ एंड सी द नाइफ इज कम्प्लीट। सी जनरली फॉल ऑफ एंड दिस इज फिट, दिस इज परफेक्ट, इट हैज़ अ गुड बैलेंस। सो दिस इज हाउ यू मेक अ शीट और नाइफ कवर।